कुछ लोग थे जिन्होंने लिखे हुए शब्दों पर कब्जा जमा लिया और धीरे धीरे इसके बल पर उन्होंने सबको ये समझाना शुरू कर दिया कि जिसे लिपि ज्ञान नहीं वो अज्ञानी है। समय बीतने के साथ साथ ये विश्वास घर करता गया कि प्रतिभा और हुनर केवल उन्हीं के पास है जिन्हें लिपि का ज्ञान है। लिपियों पर एकाधिकार रखने वालों ने जिन अनगिनत प्रतिभाओं को विकसित होने से रोक दिया था, रंगीला मेथी भी उन्हीं में से एक है। रंगीला की विलक्षण प्रतिभा छिपी ही रहती अगर साक्षरता अभियान ने लिखित शब्दों के दरवाजे उसके लिए ना खोल दिए होते। रंगीला सुदूर आसाम के एक छोटे से गांव की एक बेहद गरीब किसान महिला है जिसके अंदर एक अनोखी काव्य प्रतिभा और लेखक होने की जबरदस्त योग्यता छिपी थी। बचपन में पढ़ाई लिखाई से वंचित रही रंगीला ने जब एक बार लिखना पढ़ना सीख लिया तो उसकी सारी भावनाएं, उसकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, सारे विचार एक एक कर कविताओं और कहानियों का रूप लेकर कागज पर उतरने लगे। गरीब निरक्षर और महिला होने की उसकी पीड़ा, साक्षर होने की खुशी और पढ़ने से मिलने वाले आनंद की अनुभूति, ये सब कुछ उसकी कविताओं में साफ झलकता है। एक बार उसने लिखना शुरू किया तो लगा कि जैसे कोई बांध था जो एक पल में टूट गया और एक पहाड़ी नदी की तरह उसकी प्रतिभा पूरे वेग से बह निकली। आज रंगीला एक सफल कवित्री है जो अपने गांव, जिले और राज्य की सीमाओं को लांघकर सारे देश के साक्षरता अभियान और उसके बाहर भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। रंगीला मेधी का बचपन बेहद अभावों में बीता। घर की सारी जिम्मेदारियां रंगीला के कंधों पर थीं। जब वो अपने छोटे भाइयों और दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखती तो उसका भी जी चाहता कि वो स्कूल जाए, दूसरे बच्चों की तरह पढ़े। लेकिन घर की जिम्मेदारियों और लड़की को ना पढ़ाने की परंपरा ने स्कूल जाने के उसके सारे सपनों को बिखेर दिया। আমার ঘরখন একেবারে দুখিয়া, আমি লোকর ঘর কাম করিলেহে ভাত মুঠি জোরাব পারো। সেইমতে মা দেউতাই পথারত কাম করিব যায়, মই ঘরত থাকো। এনেকে ভাইটি ভন্টিহঁতক স্কুলত পঠাই পঠাই মোৰ এদিনাখন বৰ দুখ লাগিল। ময়ো ল'ৰা হলে নিশ্চয় দেউতাই পঢ়ুৱালে হয়, কিন্তু মই যে ছোৱালী সেইটো কাৰণতে নপঢ়ুৱায়। আমি সৰু যেতিয়া আমাক ঘৰতে ৰাখিব লাগে, মা দেউতা পথাৰৰ কামত যায়, গতিকে ঘৰত আমাক চোৱা চিতা কৰা মানুহ নাই, সেয়েহে বাইদেউ স্কুলক যোৱাটো বন্ধ কৰিলে। চাল পৰ চাল বিততে ৰহে ৰংগীলা বড়ী হতি গৈ আৰু ইচি কে সাথ উস পৰ ঘৰ কে কাম কাজ কা বোঝ ভি বঢ়তা গয়া। পৰিবাৰ কে লিয়ে দো জুন কি ৰোটি জুটানে কি জদ্দোজহদ আৰু ছোটে ভাই বহনো কি শাদি বিয়াহ কি জিম্মেদাৰিয়ো কো নিভানে মে ৰংগীলা কা বচপন আৰু জৱানি দোনো স্বাহা হো গয়। पढ़ने की अपनी इच्छा को मन में संजोए रंगीला जैसे तैसे जिए जा रही थी कि सन 1993 आ गया। 1993 का साल उसकी जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव का संदेश लेकर आया। एक बेहतर समाज बनाने के संदेश को लेकर प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर एवं जागरूक बनाने के लिए 1990-91 में देश के अनेक जिलों में साक्षरता अभियान शुरू हुए। रंगीला अब 35 वर्ष की हो चुकी थी। उसे लगा कि मानो ये अभियान उसकी तमन्ना को पूरा करने के लिए ही शुरू किया गया है। 1993 में स्वयंसेवी संस्था भारत ज्ञान विज्ञान समिति के नेतृत्व में ये अभियान असम के दरंग जिले में भी आरंभ हो गया। उसके पड़ोस में रहने वाली मोना डेका ने आसपास की 10-12 महिलाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी। रंगीला भी उनमें से एक थी। 35 वर्ष की रंगीला जब कायदा लेकर पढ़ने जाती तो लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रंगीला को तो पढ़ने का जुनून था। लोगों के तानों और बेसिर पैर की बातों की परवाह किए बगैर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी।
ये रंगीला की सच्ची लगन ही थी कि वो अपनी कक्षा में सबसे पहले तीनों कायदे सीखकर नव साक्षर बन गई। आसाम के सात ब्लॉक में, पांच डिस्ट्रिक्ट के सात ब्लॉक में लिटरेसी का काम शुरू किया। इस हिसाब से दरंग जिले के चिपाजार ब्लॉक का देवानंद गांव में भी काम शुरू हुआ। जब देवानंद गांव में काम शुरू हुआ तो देवानंद गांव में रंगीला मेदी की घर था। तो रंगीला मेदी ने किसी से सुना कि हमें पढ़ाई की काम शुरू हुआ। 1993 सन ज्ञान विज्ञान समिति অসমে শিবাজারত সাক্ষরতা অভিযান চলালে তেতিয়া মোর শিক্ষাগুরুয়ে খবর দিলে গই বোলে বাইদেউ আপনি পড়ি থাকার দেখো বড় ইচ্ছা আছিল কিন্তু আপনার দিন ভাল হয়েছে এতিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিয়ে সাক্ষরতা অভিযান চলাই আছে তাত আপনি পড়িব পারিব আর ফলি পেন্সিল ময়ে দিম এনেকৈ কওঁতে এই মোর শিক্ষাগুরু শ্রী মহিলা ডেকা শিক্ষাগুরু করে লই সেইদিনের একরাহে আমি ছমাস পড়িলো। আমার বাইদেউয়ে মই কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাত আহিব নোৱাৰিলো তেও নিজে গৈ তাৰমানে মোর ঘৰত পঢ়ে আর পাৰিলে মোর ঘৰ মোক তেও ঘৰলৈ মাতি আনে আনি তেনেকৈ তেও শিক্ষার যিখিনি প্রয়োজন আছিল তেও আয়ত্ত করলে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ একদম পঞ্চম ভাগলৈকে পঢ়িলে তেও। নবসাক্ষর হোনে কে বাদ রঙ্গিলা দূসরি মহিলাওঁ কো পড়াণে মে মদদ করতি। সি নট অনলি বিকেম দ্য লিটারেট লাইক আদার্স বাট সি হ্যাড দ্য কম্পিটেন্সি টু রাইট ইভেন পোয়েমস স্টোরিজ। কল তক কি অনপড় রঙ্গিলা মেধি আজ এক জানি মানি লেখিকা হ্যায়। উসকি কবিতায়ে আখবারো মে ছপতি হ্যায় অর দেশ ভর মে পড়ি জাতি হ্যায়। साक्षरता अभियान से रंगीला ने सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं सीखा, अभियान ने उसे एक नया उत्साह और आत्मविश्वास भी दिया। अभियान ने उसे सामाजिक चेतना दी और अपने गांव और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा भी। पढ़ना लिखना सीखते ही रंगीला ने एक नोटबुक अपने साथ रखनी शुरू कर दी। जब भी कोई नया विचार उसके मन में आता वो फौरन उसे कविता के रूप में कागज पर उतार लेती। ऐसा वो सिर्फ एकांत के क्षणों में ही नहीं करती बल्कि काम करते करते भी उसके दिमाग में कविताएं उपजती और वो उन्हें नोटबुक में लिखती जाती। इस तरह घर और खेत के कामों के दौरान भी वो लगातार लिखती रहती। रंगीला की कविताएं इतनी खूबसूरत थीं कि एक दिन जिला साक्षरता समिति के कार्यकर्ताओं ने उसकी कुछ कविताएं राज्य संसाधन केंद्र में भिजवा दी। अधिकारियों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई नव साक्षर भी इतनी अच्छी कविताएं लिख सकता है। सच्चाई जानने के लिए वो गांव में आकर रंगीला से मिले। पूरी तरह भरोसा हो जाने के बाद रंगीला की एक कविता राज्य संसाधन केंद्र के अखबार ज्ञान विज्ञान वार्ता में छापी गई। जैसे ही वार्ता का ये अंक गांव में पहुंचा सब ओर उसकी कविता छपने की खबर फैल गई। ये सब देखकर रंगीला और उसके परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आज अलग पढ़ी कल अलग पढ़ी मैंने लाहे 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 कविता लिखिब परा हलो। कविता लिखिलु कविता बिलक जिमाने लिखु सिमाने आमार गुवाहाटी राजिकलै गुवाहाटी थका অসম জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি অফিসলৈ আমি পঠাই দিওঁ। আৰু কোনো এটা কবিতা মানে এনেকুৱা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে কোনো এটা কবিতা আমাৰ নষ্ট হৈ যাব দিয়া নাই। প্ৰত্যেকটা কবিতাই আমাৰ জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিৰ যিখন বাৰ্তা আছে বাৰ্তাখনত উঠাইছে আৰু সেই বাৰ্তাখন নি পঞ্চায়ত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰীয়ে মোৰ হাতত দিয়ে সেই কবিতাকেইটা মই পঢ়িব পাওঁ। মই নিজে লেখা কবিতাকেইটা যেতিয়া মই পঢ়িব পাৰোঁ তেতিয়া আচলতে মোৰ বৰ ভাল লাগিছিলে। সারা ব্লক মে সারা ষ্টেট মে এক হলচল মচ গিয়া কি এক এসা এক লড়কি হে জো পড়না নহীঁ জানতা থা ও কবিতা লিখনে শুরু করে। আজ পহলি বার রঙ্গিলা কো এহসাস হুয়া কি আপনি লিখি হুই কিসি রচনা কে ছপনে কি খুশি ক্যা হোতি হে। ইস ঘটনা নে রঙ্গিলা কো গাঁও কি খাস হস্তি বানা দিয়া। ইসকে বাদ এক এক কর
रंगीला की कई कविताएं वार्ता में छपी। इससे रंगीला के लिखने का उत्साह कई गुना और बढ़ गया। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। सन 1999 में राज्य संसाधन केंद्र आसाम ने पछुआ के नाम से रंगीला की कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया। इस कविता संग्रह की एक खास बात ये है कि इस संग्रह में संकलित कविताएं रंगीला के अपने हाथ की लिखाई में प्रकाशित की गई हैं। ये महिला जब लिखने शुरू किया है, पोएम भी लिखा है, तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम उस टाइम हमारा स्टेट रिसोर्स सेंटर भी शुरू हुआ था असम में, तो मैं असम स्टेट रिसोर्स सेंटर का इंचार्ज डायरेक्टर था उस टाइम। और हमने शुरू किया कि हमें एक किताब लिखना पब्लिश करना जरूरी होगा। स्टेट रिसोर्स सेंटर जो है उसका डायरेक्टर डॉक्टर बी डी बरकडोगी ने सोचा कि इतनी सुंदर कविताएँ लिखती है ये लड़की, तो हम ना क्यों उसको सब इकट्ठा करके एक पुस्तक बना ले। तो उन्होंने पूरा कविता इकट्ठा किया और एक कविता का पुस्तिका निकाल दी जिसका नाम है पछुआ। आटाइटको चिरसमरिया दिन ये पछुआ किताब उन्मोचन कर दिनाखन मोर कि भल लगे और मैं मानने कत मैं गमे नपाल किताब उलियार आनंदते और सीदिने भाई মোক যিদিনাখন দেউতাই স্কুলৰ পৰা চোচৰাই টানি আনিছিলে সেইদিনা কিমান দুখ পাইছিলোঁ। সেইদিনাৰ দুখটো এই পছুৱা কিতাপখন যিদিনা উন্মোচন কৰে সেই তাৰিখত মোৰ কিন্তু আনন্দটো বহুত হৈছে, এই দুখতকৈও আনন্দটো বেছি হৈছে। ৰংগীলা কি দুয়ো পুস্তকে সাক্ষৰতা অভিযান সৈতে জড়িত লোকৰ মে কাফি লোকপ্ৰিয় হে। নৱ সাক্ষৰৰ মে তো ইনকি বিশেষ মাংগ হে। নিৰক্ষৰ ৱ নৱ সাক্ষৰৰ কে সমূহ মে उसकी किताबें पढ़ी जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, पढ़ने के बाद उन पर सामूहिक तौर पर चर्चा भी होती है। अनेक बार रंगीला स्वयं ऐसे मौके पर उपस्थित होती है। ऐसे में महिलाएं एक लेखिका को अपने बीच में पाकर न केवल गर्व का अनुभव करती हैं, बल्कि रंगीला की कविताओं के बारे में देर तक उसके साथ सवाल जवाब और बातचीत भी करती हैं। रंगीला की रचनाएं लोगों को साक्षर होने और साक्षरता अभियान से जुड़ने को प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती हैं। सृजन की इच्छा जिसे पूरा करने की उम्मीद रंगीला मेधी बिल्कुल छोड़ चुकी थी, साक्षरता अभियान की बदौलत एक बार फिर जी उठी। साक्षरता अभियान ने उसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच दिया, उसकी कल्पनाओं को शब्द दिए, विचारों को नई ऊंचाई दी और उसके व्यक्तित्व को इतना निखारा कि कभी दूसरों पर आश्रित रहने वाली रंगीला मेधी पूरे गांव की अगुआ बन गई। जिस अभियान ने उसे जीने की नई राह सिखाई, उस साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में रंगीला हमेशा आगे रहती है। फिर चाहे वो लाइब्रेरी के संचालन में कोऑर्डिनेटर मोना डेका का सहयोग करना हो या महिलाओं की बैठक करके उन्हें पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार करना हो। जिखिनि मानु आमार गाव तमने निरीक्षर हिसाबे आसे तेलोग मन आमार लाइब्रेरी आही रंगीला बेदुर माध्यमरे हाय खबर गाना चेष्टा करे आरो बायदै जिखिनि उपदेश दिए बा परामर्श दे बायदै कथाखिनि माने तमने बायदै जेहेतुके आमार पथ पडख प्रति माहे माहे तमने 3 तारिखे मिटिंग होय आमार लाइब्रेरी आरो ज्ञान विज्ञान समिति मिली আমাৰ যিটো এটা সমন্বয়ক মাননি দিয়ে সেই সমন্বয়কৰ মাননিটো মিটিঙত তাৰমানে আমাৰ অনুমোদন হয়। সেইখিনি কথা আমাৰ বাইদেউ আমাৰ হেৰিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ আছে আৰু বাইদেউ আমাৰ প্ৰায় সভা সমিতিৰ উপস্থিত থকা দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে। আজ ৰংগীলা এক সন্মানিত এৱম সামাজিক কাৰ্যকৰ্তা হে। মহিলাক একঠা কৰি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ কি চাফাই কৰোৱানে और पल्स पोलियो अभियानों का संचालन करने जैसे कितने ही काम रंगीला खुशी खुशी अपने कंधों पर ले लेती है। रंगीला महिलाओं को स्वास्थ्य और सफाई के बारे में जानकारियां देने के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने या उन्हें नर्स की मदद से सुरक्षित प्रसव की जानकारी दिलवाने जैसे कामों में हमेशा आगे रहती है।
এই চারি বছরের ভিতর মই এই অঞ্চলত যেখিনি কাম করছো সেই কামখিনিত মানে রঙিলা বাইদেউ আমাকে যথেষ্ট সহায় করেছে। আর রঙিলা বাইদেউক মানে ভালদরে জানো যে রঙিলা বাইদেউ নবস্বাক্ষর তখন একবারে পড়ব না জানিছিল আর তখন যেটা স্বাক্ষরিত হল তেতিয়ার যিখিনি আমার এই অঞ্চলের গর্ভবতী মাতৃ আর যিখিনি শিশু যাতে আমার যে প্রতিষেধক টিকাকরণ তারপর যাতে মানে কোনো বাচ্চা বা গর্ভবতী মাতৃ যাতে বাদ পড়ি না যায় তার কারণে মই রঙিলা বাইদেউক সদায় কই আইছো আর রঙিলা বাইদেউ যথেষ্টখিনি মোক সহায় করেছে। রঙিলা অনপঢ়তা কা দুঃখ সমঝতি হয় इसलिए वो घर घर जाकर लोगों को समझाती है कि वो अपनी लड़कियों को जरूर स्कूल भेजें। ये उसके प्रयासों का ही फल है कि उसके गांव में आज ज्यादातर लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं। साक्षर होने के बाद रंगीला न सिर्फ एक सफल लेखिका के रूप में उभरी बल्कि उसने अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया। उसने आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करके एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसकी वो अध्यक्ष है। समूह की महिलाएं हर माह आपस में 10-10 रुपए इकट्ठा करती हैं। ये पैसा समूह के सदस्यों को छोटी मोटी आर्थिक कठिनाइयों से निकलने के लिए उधार दे दिया जाता है। अब रंगीला की सहायता समूह की सदस्य काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। यही कारण है कि अब समूह की महिलाओं को दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। यही नहीं, ग्रुप की महिलाओं ने अपना छोटा मोटा काम भी शुरू कर लिया है। स्वयं रंगीला ने समूह से ऋण लेकर खड्डी लगाई है और अब वो अपनी जरूरत का कपड़ा भी घर पर ही बुनती है। रंगीला न केवल अपनी बुनी मेखला चादर पहनती है बल्कि इससे थोड़ी बहुत कमाई भी कर लेती है। साक्षरता अभियान से रंगीला ने ज्ञान को बांटने का सबक सीखा, इसलिए वो अपने हुनर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटने के लिए हमेशा तैयार रहती। रंगीला ने न केवल सामाजिक मोर्चों पर बल्कि हर कहीं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बचपन में माँ बाप की मृत्यु और बड़े भाइयों के अलग हो जाने के बाद छोटे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी रंगीला पर आ पड़ी थी। खेतों में काम कर करके उसने छोटी बहन व दो भाइयों की शादी की। अपने दो भाई बहनों की जिम्मेदारियां पूरी करते करते उसे अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इस बीच ना जाने उसकी खुद की शादी की उम्र कब बीत गई। एक बार उसका रिश्ता आया भी तो छोटे भाई ने कहा कि दीदी तुम चली जाओगी तो हमारा क्या होगा, और रंगीला ने अपना घर बसाने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। मुख डांगर भाई तिया कॉल है, भाई देव, तू बिया नहीं दूँ, तू बिया दिले आको आमी ये आको एक ही दुखोटे पुरी जा, खुटी के तू बिया नहीं दूँ निकी, हे हमार मुख बहुत दुख लगी सिले, मौर लोगे लोगे कॉलो, ये हफ्ता पिसो तो उत्तर तो दिया सो, एने कोई, ये हफ्ता पार होल, পার হওয়ার পিছত উত্তরটো দিলো। মই সপ্তাহটো চিন্তা চৰ্চা কৰি পালোঁ যে মই বিয়া হ'লে ভাইটিহঁতে বৰ দুখ পাব, সেইকাৰণে মোৰ জীৱনটো গঢ়াতকৈ মই ভাইটিহঁতক সহায় কৰাই ভাল হ'ব বুলি ভাইটিহঁতৰ লগতে থাকিলোঁ আৰু ক'লোঁ মই জীৱনত আৰু বিয়া নহওঁ। আজ ৰংগীলা আপনে ছোটে ভাইয়া ভাবী আৰু ভতিজে ভতিজিয়ों के सुख में ही अपने जीवन की खुशी ढूंढती है। घर व खेत के काम के अलावा बच्चों को पढ़ाने सिखाने और उनके साथ हंसते बोलते हुए ही उसका सारा दिन बीत जाता है। रंगीला के भाई भाभी और उनके बच्चे भी उसे पूरा सम्मान देते हैं, हर बात में उसकी सलाह लेते हैं। वे जानते हैं कि रंगीला उनसे ज्यादा जानती समझती है और उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। साक्षरता की पुस्तकें पढ़कर रंगीला खेती बाड़ी के बारे में भी काफी कुछ जानती है। उसके भाई इस बारे में अक्सर उससे सलाह लेते हैं। आज जब रंगीला अपने बचपन के बारे में सोचती है तो उसके मन में ये सवाल जरूर उठता है कि अगर मैं लड़का होती तो क्या मुझे स्कूल जाने से रोका जाता। दरअसल रंगीला के मन में पढ़ाई की इतनी चाह थी कि एक बार तो वो घर पर बिना किसी को बताए ही स्कूल जा पहुंची।
और वहां दूर बैठकर हसरत भरी निगाहों से पढ़ते हुए बच्चों को देखने लगी। रंगीला को घर पर ना पाकर माँ उसे ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़ी। आखिरकार माँ को वो स्कूल में बैठी मिल ही गई। रंगीला के भारी विरोध के बावजूद माँ उसे जबरदस्ती मारते पीटते हुए घर खींच लाई। हालांकि टीचर ने उसे पढ़ाने की बात की, लेकिन पिता के गुस्से से डरकर माँ इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। और इस तरह रंगीला की पढ़ने की हसरत मन ही मन दबती चली गई। মা দেউতাই নজনাকৈ স্কুললৈ গ'লোঁ। কিছু সময় পাছত দেউতা পথাৰৰ পৰা আহি মোক ঘৰত নাপায় চিঞৰ বাখৰ কৰি মাতি মাতি মোক স্কুললৈ বিচাৰি গৈছে। তাতে স্কুলত পাই মোক হাতত ধৰি চোচৰাই টানি আনিছে আৰু মোক দাবী ধমকি কৰিছে, গালি গালাজ কৰিছে আৰু কৈছে ছোৱালী মানুহ পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হ'ব নালাগে, কাইলৈ লোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব লাগিব। এনেকৈ মোক সেইদিনাখন স্কুলৰ পৰা আনিছিলে আৰু সেইদিনাৰ পৰা মোৰ স্কুলীয়া জীৱন শেষ। উস দিন স্কুল সে জবরদস্তি উঠাই জানে কা গম উসে আজ ভি সালতা হে। 30 সাল বাদ সাক্ষরতা অভিযান নে উসে পড়নে কা মৌকা দিয়া। ইস মৌকে কা কিতনা সুন্দর ইস্তেমাল রঙ্গিলা নে কিয়া ইসে আজ সব জানতে হ্যায়। नित नया सीखने और उसे अपने जीवन में उतारने की ललक रंगीला में बचपन से ही है। यही कारण है कि आज वो पढ़ने और नई जानकारी हासिल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। समय मिलते ही वो ज्ञानम पुठी भड़ाल यानी ज्ञान विज्ञान पुस्तकालय में पहुंच जाती है और अपनी रुचि की पुस्तक छांटकर पढ़ने बैठ जाती है। असमिया भाषा की हर पुस्तक, अखबार और मैगजीन रंगीला आसानी से पढ़ सकती है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भाषा तक उसकी पहुंच अभी नहीं बन पाई है। हिंदी या अंग्रेजी की किताबों को ना पढ़ पाने का दुख रंगीला को घंटों परेशान करता है। और कोई भाषा ना जानने के कारण रंगीला सिर्फ असमी में ही अपना अनुभव प्रस्तुत कर सकती है। इस वजह से वो बहुत सीमित लोगों तक ही अपनी बात पहुंचा पाती है। हिंदी या अंग्रेजी में होने वाले वार्तालाप में शामिल ना हो पाने की लाचारी उसे अपने व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा नजर आई। इसलिए रंगीला ने हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं सीखने की ठान ली, लेकिन उसके गांव में तो हिंदी जानने वाला कोई था ही नहीं। कई दिन तक इसी दुविधा में दिन गुजारने के बाद एक दिन वो गण ज्योति विद्यापीठ के मुख्य शिक्षक नगेंद्र नाथ डेका के पास पहुंची और उनके सामने हिंदी सीखने की अपनी इच्छा जाहिर की। नगेंद्र नाथ डेका ने उसकी पीड़ा को समझा और अपनी सहयोगी कमलाकांत डेका को ये जिम्मेदारी सौंप दी। अमर कम दिनों भीतर मोर विद्यालय लेके तो आहिसिले आही मोके खन आवेदन दिसिले जे मोय सर जे মই হিন্দী পঢ়িবৰ কাৰণে মই ইচ্ছুক, মই বাহিৰত গৈ মই যথেষ্টখিনি অসুবিধা পাইছোঁ, গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মই হিন্দীখিনি শিকি লৈ যাতে মই বাহিৰত বা অন্য অন্য দেশলৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপুনি এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ যে মোৰ বিদ্যালয়ৰে শিক্ষক যে কমলা ডেকাক মই মাতি আনিলোঁ। মাতি আনি তেওঁক মই সুধিলোঁ যে ৰঙীলা বেদী নামৰ ছোৱালীজনীক আপুনি হিন্দীখিনি খুব পৰিপূৰক হিচাপে শিকাই দিব লাগে। কমলাকান্ত ডেকা কি মেহনত আৰু আপুনি লগন ও দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি সে আজ ৰঙ্গীলা থোড়ি বহুত হিন্দী লিখনে লাগি হে। খ খ গ গ হিন্দী কা অভ্যাস কৰৱানে মে উসকে ভতিজে হিতেশ মেধি কি ভূমিকা ভি মহত্বপূর্ণ হে। ইয়ে ৰঙ্গীলা কি কাব্য প্ৰতিভা কা এক অৰ জবৰদস্ত নমুনা হে কি পূৰি তৰহ সে हिंदी भाषा का ज्ञान न होने के बावजूद उसने हिंदी में भी कविताएं लिखनी आरंभ कर दी हैं। इस तरह हिंदी सीखने और लिखने पढ़ने वाली रंगीला मेधी आसाम की पहली नवसाक्षर बन चुकी है। किसी महान लेखक ने कहा है, इंसानी जीवन सिर्फ एक बार हासिल होता है, उसे इस तरह जीना चाहिए
ताकि ये मलाल ना रहे कि इस अमूल्य जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ गया। रंगीला की असली जीवन यात्रा तो 35 वर्ष की आयु में ही शुरू हो पाई, मगर एक बार इस यात्रा को शुरू करने के बाद उसने थोड़े से समय में ही वर्षों के फासले तय कर लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि सफल जीवन कैसे जिया जाता है तो रंगीला मेधी से पूछिए।